हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अर्थवर्म का डाइसेक्शन कैसे होता है। तो आपका अर्थवर्म ये रहा, ये अर्थवर्म है। तो आपको मैं बता दूँ कि अर्थवर्म का डाइसेक्शन करने के लिए हम इसको डॉर्सल साइड रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए अर्थवर्म, ये इसका है जेंट्रल पोल। तो जिधर से जेंट्रल पोर होगा वही उसका वेंट्रल व्यू होगा। एंड जेनिटल पोर के जस्ट पीछे, मतलब डॉर्सल, इधर डॉर्सल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये है, ये मैंने वेंट्रल साइड से इसको पकड़ा हुआ है। ये वेंट्रल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका क्या है, ये वेंट्रल है। एंड ये इसका माउथ है। एंड ये इसका लास्ट में एनस है, ठीक है। एंड जस्ट जेनिटल पोर के जस्ट पीछे हमारा है डॉर्सल व्यू। तो हम इसको डाइसेक्शन करने के लिए डॉर्सल साइड से रखेंगे। तो हमने इसको डॉर्सल साइड रख दिया है। ये इसका डॉर्सल व्यू है। जेनिटल पोर के जस्ट पीछे इसका होता है डॉर्सल व्यू, ओके। हम लोग वहीं से इसका डाइसेक्शन करेंगे। अब तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पिन करेंगे। क्या करेंगे, पिन करेंगे। ये देखिए, ये वेंट्रल है। वेंट्रल के जस्ट पीछे ऐसे से हम लोग कर लेंगे। इसका माउथ है ये, को हम लोग पहले पिन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पिन करना है। ऐसे पिन आप जब एग्जाम में आपका प्रैक्टिकल हो तो आप ऐसे ही इसे पिन करिएगा, ठीक है। तो पहले हमने इसको क्या किया, दोनों साइड से पिन कर लिया है, इसके माउथ से एंड इसके लास्ट एनस तक इसको मैंने क्या कर लिया, पिन कर लिया है। देन उसके बाद हम इसको कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आज इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हम लोग डालते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, ओवरी। तो हमें MSc में इसकी ओवरी निकालनी पड़ती है। एंड ओवरी जब हम लोग निकालते हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो हमें उसका परमानेंट प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो कि एग्ज़ाम में आता है एंड पूछते भी हैं। एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओवरी निकालना इसकी। और ओवरी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड बहुत ही छोटी होती है और दिखता ये बहुत लोगों को। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी ओवरी कैसे निकालते हैं। एंड देन उसके बाद, ओवरी के बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी नर्व रिंग कैसे निकालते हैं। तो नर्व रिंग जो होती है आपकी BSc में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो अर्थवर्म की नर्व रिंग निकालिए, तो आप इसकी नर्व रिंग का डाइसेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से ओवरी निकालेंगे, देन उसके बाद हम इसका नर्व रिंग निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि इसका डाइसेक्शन कैसे होता है, इसको ओवरी कैसे निकालते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट से, एंड इसका नर्व रिंग कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड ध्यान से देखें कि कैसे मैं कर रही हूँ, ओके। अब इसके नीचे वाले हिस्से से एनस साइड से हम इसको थोड़ा सा ऊपर से इसको कट करेंगे। बहुत ही अच्छे से कट करना है ऊपरी साइड से, ओके। ज़्यादा नीचे से कट करेंगे तो आपका नर्व रिंग डैमेज हो सकता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी रहती है, तो हमें बार बार इसकी सफाई करने की ज़रूरत है। इसको हम लोग साफ करेंगे। पहले इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। हम इसे ऊपर तक पूरा कट कर लेंगे। माउथ तक हम इसको पूरा क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे।
अब इसको हम लोग खोलेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है। अब इसको पिन करेंगे तभी तो हम लोग खोल पाएंगे इसको सही तरीके से। इसको पिन करना है हमें, यहाँ पिन करेंगे ताकि अच्छे से खुल जाए और हम इसका डिसेक्शन कर पाएँ। ओके, बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, इतना खाया है इस अर्थवा में मिट्टी को। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे पिन करते हैं, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से इसको क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। ओके, इस तरह से इसको पिन कर दिया है। अब इसके अंदर कितनी सारी मिट्टी भरी है तो इसको हम लोग पानी से साफ कर देंगे और बार बार इसमें पानी डालते रहना चाहिए। ओके, पिन कर लिया, थोड़े से मैंने इसे साफ भी कर लिया। हम इसे और साफ करेंगे कि इसकी मिट्टी ऊपर की पूरी हटा देंगे। ओके, पानी डाल के साफ करेंगे। पूरी मिट्टी हट जाए ऐसे साफ करेंगे। तो देखिए हमने इसको साफ कर लिया है, आपको दिख रहा है कि हमने इसे साफ कर लिया है। अब मैं बता दूं, ये जो है इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आया है, ये पूरा इसका एलिमेंट्री कनाल है एंड ये इसका माउथ है। इसके बाद यहाँ पे इसका सेरिब्लर गैंग्लिया होगा, उसके बाद फेरिंग्स होगा, फेरेंशियल नेफ्रीडिया होगा, उसके बाद ब्लड ग्लैंड होगा। यही सब है इसका, पूरा अंदर के पार्ट्स हैं। तो हम फोकस करते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें धीमे से इसका एलिमेंट्री कनाल हटाना है, तभी हम इसके अंदर का पार्ट देख पाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट। एकदम आराम से आपको इसका वो हटाना है एलिमेंट्री कनाल। ये देखिए एकदम आराम से हटाइए। क्या आप लोग कुछ दिख रहे हैं, ये साइड टू साइड ये इसके प्रोस्टेट ग्लैंड फ्रेंड्स, ये एंड ये इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट के जस्ट ऊपर हमारा ओवरी होती है। तो हम धीमे धीमे इसको हटाएंगे। बहुत ही छोटी होती है, इधर इधर दोनों साइड होती है और बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है एंड वाइटिश कलर की होती है, अंदर ब्लैकिश होता है। तो इसकी ओवरी इसी के पास है एंड ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये इसी के जस्ट नीचे होती है ओवरी। ये जो है ये इसकी ओवरी है। वाइट कलर की है ये। ये हमने इसकी ओवरी निकाली है, बट एक साइड की अभी हमारी ने इसकी ओवरी निकाल ली है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी ओवरी मैंने इसकी कैसे निकाली। ओके, कैसी दिखती है ओवरी, वाइटिश कलर की होती है बाहर से। ये इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर होती है ओविडेट, ओविडेट के जस्ट बगल में होती है हमारी ओवरी। ओके, ओवरी की परमानेंट स्लाइड जो हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे ओवरी की परमानेंट स्लाइड कैसे बनती है, ये आपको बताएंगे। एंड ओवरी की परमानेंट स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आती भी है एम एस सी में। किन्ना ओवरिंग कैसे निकालेंगे, जो कि आपके बीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। इस किन्ना ओवरिंग बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।
अर्थवर्म की नवरी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके बॉडी पार्ट से एलिमेंट्री कनाल को हटाते हैं एंड उसके बाद इधर इधर जो मटेरियल होता है उसको साफ करते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि नवरिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा पतली होती है इसलिए टूट सकती है। एंड ऊपर तक पूरा हम लोग इसकी नवरिंग निकालेंगे, इसके माउथ तक जो नवरिंग होती है पूरा उसका निकालेंगे, बहुत ही केयरफुली करेंगे हम। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नवरिंग निकालना। इसके नवरिंग निकालने के लिए हम इसके सारे पार्ट को साफ कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड दिखना देखिए स्टार्ट हो गई नवरिंग, आप ये देखिए ये जो है वाइट कलर से नवरिंग है हमारी वो। तो पहले हम इधर इधर साफ़ कर लें ताकि आपको आसानी से हम साफ साफ नवरिंग दिखा पाएँ। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हटाएँगे। अच्छे से हटाएंगे क्योंकि टूट सकती है हमारी यहाँ पे नवरिंग। ओके पूरा इसको कट करेंगे तब हमारी पूरी नवरिंग निकलेगी। इधर के पार्ट को कट कर रहे हैं ऊपर साइड को, एकदम केयरफुल इस तरीके से करना है ताकि मतलब इसकी जो जुड़ी हुई नवरिंग होती है आगे साइड को वो हट ना पाए, एकदम नवरिंग की तरह लगे, इसी वजह से हमें संभल के करना है। ओके नव रिंग हमारी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, बस ऊपर साइड की निकालनी है। रिंग हमारी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, देखिए। एंड बहुत ही मोटी लेयर होती है इधर साइड, बहुत ही निकालना मुश्किल होता है। अगर हम लोग ज़रा सा भी तेज निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारी नव रिंग टूट जाए, इसलिए बहुत ही संभल के निकालना है। ओके आराम आराम से, जैसे कि मैंने बहुत ही आराम आराम से निकाल ली हूँ मैं। पूरी इसकी नव रिंग निकल आई एकदम गोल गोल, यहाँ से पूरा ऐसे गोल गोल है, ये देखिए ये ऐसे जुड़ी है पूरा इधर से आई गोल गोल, देखिए ये पूरा ऐसे आई है ऐसे। देखिए हमने इसकी पूरी नव रिंग निकाली है, पूरी गोल है इस साइड से, पूरी यहाँ से गोल है, फिर ऐसे करके ऐसे आई है, फिर ऐसे ऐसे गई है। तो सबसे पहले जो इसकी इधर वाली जो नव रिंग है, जो इधर वाली सबसे पहले जो नव रिंग है वो सेरेब्रल गैंग्लिया और सुपर फेरेंजियल गैंग्लिया है। उसके बाद इसकी जो इधर साइड वाली नव रिंग है वो इसका है सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव है। इसके बाद जो इसकी ये वाली ये इसकी है सब फेरेंजियल गैंग्लिया। फिर उसके बाद जो ये वाली है वो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसके बाद ये वाली जो है वो है नर्व कॉर्ड गैंग्लिया है। यहाँ तक पूरी लंबी 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 यहाँ तक पूरी इसकी गई है नर्व। तो आपको आई होप कि आपको ये नर्व रिंग पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं एंड इसकी ओवरी कहाँ से निकालते हैं ये भी पता चल गया होगा। एंड जब आपको आएगा निकालने के लिए अर्थवर्म से नव रिंग तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और आपकी इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद तो हो ही गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आपको इस तरह डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मिल सके और नोट्स वगैरह मिल सके। एंड थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।